नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। इस कलयुग में श्री हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनको प्रसन्न करना बहुत सरल कार्य है। प्रत्येक हनुमान जी के भक्त श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अनेकों अनेकों विधियां करते हैं, अनेकों अनेकों जाप करते हैं और मन में यही कामना रखते हैं कि कैसे भी हमारे आराध्य देव श्री हनुमान जी के दर्शन हो जाएं। तो आज के इस क्रमांक में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। देवों में जब बात आती है श्री हनुमान जी की, तो श्री हनुमान जी को बल का देवता, बुद्धि का देवता, सद्बुद्धि और सन्मति का देवता माना जाता है। इस कलयुग में भी श्री हनुमान जी चिरंजीवी हैं, जो कि इस कलयुग में आज भी अपने अनन्य भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें दर्शन दे रहे हैं और अनेकों अनेकों आशीर्वादों से उनके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य का प्रवेश करा रहे हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि श्री हनुमान जी के दर्शन आखिर कैसे हो सकते हैं, कैसे उनके दुर्लभ दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आज के इस क्रमांक में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही अद्भुत उपाय, कुछ ऐसी अद्भुत विधियां जिनके माध्यम से आप श्री हनुमान जी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से बढ़ेंगे आज के इस क्रमांक में, बात कर लेते हैं पहले उस उपाय की, पहले उस विधि की जिस प्रकार से आप श्री हनुमान जी को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो बात की जाए हनुमान जी के विषय में तो हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। तो इसीलिए हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है श्री हनुमान चालीसा। जो भी अनन्य भक्त सहृदय श्री हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते हैं, ऐसे अनन्य भक्त को श्री हनुमान जी की कृपा सबसे शीघ्र प्राप्त होती है। इसमें किसी भी प्रकार के विशेष आडंबर की आवश्यकता नहीं, कोई विशिष्ट जाप की आवश्यकता नहीं। जिस भी अनन्य भक्त के हृदय में श्री हनुमान जी के लिए प्रेम है, भावना है और श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की लग्न है, उसके लिए मैं बता सकता हूं कि श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप केवल और केवल श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात आती है उस विधि की कि किस प्रकार से आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, किस स्वरूप में करें, कितना करें। देखिए, सबसे पहले जब बात आती है स्वरूप की, तो जितनी भी आपकी अंतर मन से इच्छा है इसकी कोई संख्या नहीं है। संख्यात्मक रूप का कोई विधान नहीं है कि आपको कितना संख्यात्मक रूप से करना चाहिए। जितना आपका अंतर मन संतुष्टि आपको प्रदान करे कि आज के लिए इतना काफी है, तब तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के पास समय का अभाव रहता है, जैसे आज इस भौतिक युग में बहुत ही समय की कमी है, तो उसके आधार पर भी यदि आप प्रतिदिन केवल एक बार भी श्री हनुमान चालीसा का सहृदय पाठ कर लेते हैं तो इतना ही बहुत है, इतना ही उपयुक्त है। अगर आप केवल और केवल इस स्वरूप में भी कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये तो हो गया हनुमान चालीसा का उपाय, जो कि आपको करना ही चाहिए। जितने भी अनन्य भक्त श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहला विधान मैंने बताया आपको, श्री हनुमान चालीसा को अपना लीजिए, श्री हनुमान चालीसा को कंठस्थ कर लीजिए और इसका ही आप उपयोग करें, इसका ही आप विधान करें। बहुत शीघ्र आपको श्री हनुमान जी की अनुभूति का आभास हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे विधान की, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ही अद्भुत मैं कहूंगा। इसके लिए आपको केवल और केवल बहुत आसान कार्य करना है। उसमें क्या करना है कि जहां पर भी आपने श्री हनुमान जी की जो छवि चित्र है उसको स्थापित किया है, या जहां पर भी आपने श्री हनुमान जी को विराजमान किया है अपने गृह स्थान पर, श्री हनुमान जी के समक्ष प्रेम पूर्वक बैठ जाइए और श्री हनुमान जी को श्री रामायण जी की अद्भुत पंक्तियां सुना दीजिए। उससे भी आपका काम बहुत बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं श्री हनुमान जी जो हैं वो प्रभु श्री राम जी के कितने अनन्य भक्त हैं। श्री हनुमान जी को अगर महज एक बार भी प्रभु श्री राम जी का नाम आप सुना देते हैं हनुमान जी के समक्ष, तो हनुमान जी आपसे इतने प्रसन्न हो जाएंगे, आपको इतनी इतनी कृपा बरसाएंगे, आपने कभी भी इस विषय में इतना सोचा ही नहीं होगा। इतनी जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं श्री हनुमान जी। तो आपको क्या करना है कि आपके घर पे जो श्री रामायण जी हैं या रामचरितमानस जी हैं, उसमें से आप श्री राम जी की महिमाएं आप श्री हनुमान जी के समक्ष उन्हें सुनाइए, प्रसंग सुनाइए, आप उसकी चौपाइयां सुनाइए। जिस भी स्वरूप में जहां पर भी श्री राम जी की महिमा का बखान किया है श्री हनुमान जी के समक्ष कह दीजिए और आप देखिएगा ये इतना चमत्कारिक प्रयोग है
कि आपके जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन आपकी आंखों के सामने बहुत सरलता से, बहुत सुगमता से होने प्रारंभ हो जाएंगे। जो कार्य आपको जीवन में बहुत दुर्गम लगते थे, वो कार्य आपके चुटकियों में हो जाएंगे। इतना सरल ये मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। कोई विशिष्ट कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री हनुमान जी इतने भोले हैं, इतने दयालु हैं कि अपने भक्त के अनंत की पुकार को, अपने अनन्य भक्त के अंतर मन को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, और इससे अद्भुत कोई बात नहीं हो सकती। इसीलिए श्री हनुमान जी को आप ये उपाय जो मैंने बताए, ये विधियां जो बताई, आप श्री हनुमान जी के समक्ष कह के देखिए, और व्यक्तिगत रूप से आप इतने चकित हो जाएंगे कि इतनी सरलता से आपके कार्य बनने लग जाएंगे। अब बात आती है कि श्री हनुमान जी के दर्शन आपको कैसे हो सकते हैं। देखिए, ये जो दो विधियां मैंने आपको बताई, ये दो विधियां इतनी चमत्कारिक है कि अगर आप नियमित रूप से इन दोनों विधानों को कर लेते हैं, दोनों विधानों की बात मैं कर रहा हूँ, श्री हनुमान चालीसा की भी और श्री हनुमान जी के समक्ष श्री राम जी की महिमा के गुणगान की, अगर ये दोनों कार्य आप बड़ी सुगमता से, बड़े नियमबद्ध होकर करते हैं, बहुत बहुत शीघ्र आपको श्री हनुमान जी की उपस्थिति का आभास हो जाएगा। क्योंकि श्री हनुमान जी की जो ऊर्जा है, श्री हनुमान जी की जो शक्ति है, अगर श्री हनुमान जी जहां पर भी आप विराजमान हैं, जहां पर भी आपका गृह स्थान है, जहां पर भी आप आराधना करते हैं श्री हनुमान जी की, वहां पर आपको एक ऐसी ऊर्जा का आभास होगा कि आपको ये बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि श्री हनुमान जी आपके इर्द गिर्द हैं। ये कई बार कई अनन्य भक्तों ने हमें लिखा है, बहुत अद्भुत प्रकार से उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं, और इतनी सरलता से ये दोनों चीजें उसमें बहुत सामान्य थी। आज के इस क्रमांक में जो दो विधियां, दो उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों विधियां उन अनन्य भक्तों के जीवन में बहुत सामान्य थी जिन्होंने श्री हनुमान जी की उपस्थिति का आभास किया है। अगले कुछ क्रमांकों में मैं आपके लिए उनके व्यक्तिगत, जो उन्होंने हमें श्री हनुमान जी के लिए जो उनके दर्शन किस स्वरूप में किए, उसको भी मैं अपने क्रमांकों में शामिल करूंगा आने वाले कुछ क्रमांकों में। तो आज के लिए मैं आपको ये दोनों उपाय जो मैंने आपको बता रहा हूं, ये उन भक्तों के जीवन में सामान्य है, उनके समरूप हैं, उनको ये दोनों जो विधियां हैं उन्होंने अपनाई हैं, उसके फलस्वरूप उनको श्री हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सरल कार्य है श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना। अगर आप बहुत ही मनक्रम वचन से और अंतर मन से श्री हनुमान जी को पुकारते हैं, तो श्री हनुमान जी अपनी उपस्थिति आपके इर्द गिर्द आपको आभास अवश्य करा देंगे। ये इतना सरल कार्य है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति नियमबद्ध होकर ये जो कार्य हैं, ये जो विधियां हैं उनको करते हैं, उनके जीवन में इतने चमत्कारिक परिवर्तन होने वाले हैं। जो कार्य आपको जीवन में दुर्लभ लग रहे थे, ऐसे कार्य जो आपको लगता था कि ये तो मेरे जीवन में हो ही नहीं सकता, या ये तो मैं बन ही नहीं सकता, या मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हो ही नहीं सकती, वो सब कुछ आपके जीवन में बड़ी सुगमता के साथ, बड़ी सरलता के साथ और बड़े चमत्कारिक ढंग से होगा। ये इतना सरल हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए श्री हनुमान जी को, श्री महाराज जी को आप नियमित रूप से अपनी पूजा प्रेषित करते रहिए। जिस भी विधि से, जिस भी आराधना स्वरूप में आप श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं, उसका क्रम बनाइए, नियमित रूप से इन अभ्यासों को करके देखिए, श्री राम जी के प्रति अपनी प्रीति बढ़ा लीजिए, श्री हनुमान जी को श्री राम जी की महिमाओं का गुणगान करके सुनाते रहिए। आप देखिएगा आपका जीवन जो है एक स्वर्ग के समान हो जाएगा। इस भौतिक संसार में रहते हुए भी आप जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे, ये इतना सरल हो जाएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ आप सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी आप सभी को सन्मति प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।